इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शख्सियत खलीलुर्रहमान मौला सज्जाद नुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बेलगाम शहर में। वो फ़िलहाल, उनकी तबीयत नासाज है तो ज़ेर इलाज वो बेलगाम शहर में है। हमें मुलाकात करने का एक शर्त मैसर हुआ है, हम कुछ सवालात लेकर इनके पास आए हुए हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनकी सेहत, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि ऐसे बेबाक और नीडर बोलने वाले लोगों की आज कमी है और मुल्क को ऐसे लोगों की रहबरी की ज़रूरत है। हम सबसे पहले उनकी तरफ रुख करने से पहले, भारत में मुसलमानों का जो सियासी समाजी माशी मुस्तकबिल है उसके बारे में हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आप बताइए कि मुसलमानों का समाजी माशी मुस्तकबिल क्या होगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपसे और तमाम नाजरीन से बहुत माजरत कि मैं एक बिस्तर पर लेटकर आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए, तारीख हमको ये बताती है कि कौमों की ज़िंदगी में बहुत से दौर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कौम बहुत ऊपर चली जाती है, पावर और रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो उसका मिसयूज़ करती है, सही इस्तेमाल नहीं करती, तो फिर उसका जवाल और डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ कोई कौम होती है जो बहुत ज़्यादा पस्ती में चली जाती है, मज़लूम और महकूम बन जाती है, तो बाद वक्त वही मज़लूमियत और महकूमियत का दौर ही उसकी नशत-ए-सानिया का, उसका रेनाइसा, एक असरनो उसके ऊपर से उठने का सबब बन जाता। तो इस वक्त बड़ा सख्त इम्तिहान है मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का, स्कॉलर्स का, उलमा का, प्रोफेशनल्स का, कि वो अपनी कौम को इस वक्त पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएं और वो तरकीबें उनको बताएं जिससे मुसलमान माशी और सियासी हर एतबार से मुसलमान तरक्की कर सकता है, जिसके बहुत रोशन इम्कान आज भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक बात की तरफ पहले इशारा करूँगा कि ये जो बिल्कुल नॉर्मल हालात होते हैं जिसमें सब अपने अपने ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, वो हालात ही कौम के जवाल का सबब बन जाते हैं। और ये जो चैलेंजिंग हालात होते हैं जिसमें सख्त तकलीफ़ें पहुंचती हैं, टॉर्चर किया जाता है, ये हालात अक्सर बेदारी पैदा कर देते हैं, कौम को जगा देते हैं। मैं बहुत पुरुम्मीद और ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे, मैं देख रहा हूँ इस बात को कि मुस्तकबिल मुसलमानों का इस मुल्क में बहुत अच्छा है और उनको वो सबक सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि उस मकदार में सीख रहे हैं जितना उनको सीखना चाहिए, ये जितना एक आम आदमी को तवक्को होती है, लेकिन सीख रहे हैं। और एजुकेशन की तरफ भी मुसलमानों का रुझान बढ़ रहा है, आपस के मसलकी जमाती फ़िरकावाराना जो इख्तिलाफात होते हैं इसको भी आम तौर पर लोग सख्त नापसंद कर रहे हैं। इख्तिलाफ़ इल्मी दायरे में रहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन इख्तिलाफ़ आपस के लड़ाई और झगड़े का सबब न बने। तो ये चीज़ भी मुसलमान आवाम के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और ख़ुद वो उलमा जो इस सिलसिले में ज़रा ज़्यादा मोहतात नहीं थे, अब उनके अंदर भी तब्दीली आ रही है, इसलिए कि ऑडियंस अब वो बहुत ही नेगेटिव मनफी किस्म की बातें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो बहुत सी अलामतें मुस्बत हैं, कौमों की ज़िंदगी में ये मरहले आते हैं, कौमें गिरती हैं फिर उठती हैं। हमारे सामने बहुत सी कौमों की तारीख इसी दौर में है, जापानी कौम तबाह हो गई थी फिर उठ गई, जर्मन कौम तबाह हो गई थी फिर उठ गई, तुर्किश कौम तबाह हो गई थी फिर उठ गई, मलेशिया की इकोनॉमी को तबाह करने की भरपूर कोशिश की गई थी, मलेशिया इस वक्त बहुत राइजिंग कंडीशन में है। तो कौमों को कि ये मरहले ऐसे आते हैं, कतन मायूसी फ्रस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है और गुस्से की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे मुल्क में डर खौफ का माहौल
फैलाया जा रहा है, किसी को मॉब लिंचिंग तो आप कोई नई बात नहीं रही, मारना और फिर उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर देना ताकि डर खौफ के साए में जीते रहे, तो इसमें यकीनन मुसलमान कहीं तो डरा हुआ नज़र तो आ ही रहा है, क्योंकि हर तरफ माहौल बदलता नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि शहीद टीपू सुल्तान को गद्दार और गोडसे को देशभक्त बनाने की साजिश चली जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बोला, पहले तो मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि मॉब लिंचिंग का लफ्ज़ बिल्कुल ना बोला जाए, टारगेट किलिंग का लफ्ज़ बोला जाए। ये मॉब लिंचिंग बिल्कुल नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। और बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों में एक खौफ और हरास फैला हुआ है, और जाहिर है कि जब कोई शोर मचता है तो घर के बच्चे ज़रा डर जाते हैं। तो हमारी पूरी कौम जो इतनी बड़ी तादाद में है, 23 से 25 करोड़, इसके सब लोग इतने इनलाइटेंड हों, इतने समझदार हों कि ऐसे चैलेंजिंग हालात का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो छोटे बड़ी तादाद में मुसलमानों का जहन बना सकते हैं, वो चाहे इमाम हों, ख़तीब हों, उलमा हों, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हों, ओपिनियन मेकर्स हों, जर्नलिस्ट हों, सहाफ़ी लोग हों, मीडिया के लोग हों, उन्हें चाहिए कि मुसलमानों के अंदर से इस किस्म के खौफ को बिल्कुल निकालें। ज़ाहिर है जिसके दिल में ईमान मजबूत होता है उसके दिल में कभी खौफ नहीं आ सकता। तो अल्लाह पर ईमान को मजबूत करना, इस्लाम से प्रैक्टिकल ताल्लुक को जोड़ना, अखलाक को ठीक करना, अपने मुआमलात को ठीक करना, अपनी ज़ुबान को मीठा बनाना, नफ़रत के जवाब मोहब्बत से देने का सलीका सीखना, नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ों को बर्दाश्त करने का हौसला अपने अंदर लाना, ये चीज़ें हमको कौम के अंदर लानी होंगी, एजुकेट करना होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लंबा अरसा लगेगा, कौम इंशाल्लाह दोबारा उठेगी और संभलेगी। पर क्या बात है कि मस्जिदों में मिंबर रसूल से मस्जिदों के अंदर इस्लाह नहीं की जाती और मौजूदा हालात पर बिल्कुल कतई बयान नहीं किए जाते, क्या ये इमामों की जिम्मेदारी नहीं है? ये हो सकता है कि आपका अपना तजर्बा आपके इलाके के बारे में हो, मैं ऐसे सैकड़ों इमामों को जानता हूँ जो बहुत ही तैयारी के साथ करंट इशूज़ पर जुमे के दिन रहनुमाई करते हैं, और उन्हीं इमामों की कोशिशों से स्कूल्स खुल रहे, वो बच्चे जिनके स्कूल नहीं जाते थे वो पढ़ाई में लग गए, उन्हीं इमामों के ज़रिए से गरीबों की खिदमत के लिए सोशल वर्क के एनजीओज़ मुसलमानों में बढ़ रहे। तो जितनी बड़ी तादाद में होना चाहिए उसमें कमी ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़ीरो है बिल्कुल, ये चीज़ बढ़ रही है। असल में पहले एक बहुत बंद माहौल में हमारे उलमा या इमाम लोग तालीम पाकर आते थे और एक सर्टेन उनका दायरा होता था कि उसके आगे वो नहीं निकलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, रुझान बहुत बदल रहा है। अब तो बहुत सी तंजीमें मुसलमानों की वो बाकायदा जुमे के खुतबे लिख कर और वो ईमेल कर रही हैं इमामों को, और सैकड़ों इमाम हैं जो उसी के मुताबिक अपने जुमे के खुतबे दे रहे हैं। बाद शहरों में तो तमाम मसाजिद में एक ही खुतबा होता है, इतना ऑर्गेनाइज हो रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब आपके इलाके के अंदर ये चीज़ ज़रा और आगे बढ़े, इसकी कोशिश आप भी कीजिए, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी, इस मौजूदा हालात आपसे तो ये छिपी नहीं है, आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं, एक पैगाम नौजवानों के नाम, क्योंकि नौजवान ही इस कौम का, इस मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, आप उनका एक पैगाम। देखिए, मैं अपने नौजवानों से बहुत मोहब्बत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क से प्यार कीजिए और इस मुल्क को बचाने का हौसला अपने अंदर लाइए। कोई और नहीं है जो इस मुल्क को बचा पाएगा। जो मुल्क के हकीकी मसाइल हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, उनको इस वक्त कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। मुल्क में इस वक्त फूड क्राइसिस कितना है, क्या किसानों का हाल है, क्या हमारे किस फसलों का हाल है, क्या हेल्थ केयर का हाल है, क्या ग्राउंड वाटर की सतह कितनी तेज़ी से नीचे जा रही है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कहीं तूफान और सैलाब और बारिश और फ्लड्स है और कहीं ड्रॉट और सूखा है, कोई नहीं है जो इससे तवज्जो दे। असल में ये काम था गवर्नमेंट का, अब वो गवर्नेंस छोड़कर वो कौमों को आपस में लड़ाने वाले इश्यूज पर लग गई है। ऐसा लगता है कि भारत के सारे मसले हल हो जाएंगे अगर हलाले का और तीन तलाक का मसला हल हो जाएगा। अब यहाँ कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा इसलिए कि तीन तलाक का कानून बन गया, समथिंग मतलब अनइमेजिनेबल, फुलिश बिल्कुल, इस पर पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स हंस रहे हैं। तो ये इस वक्त एक खला है मुल्क में। हाँ, नौजवानों को चाहिए कि अपनी प्रोफेशनल तालीम पर तवज्जो दें और वैल्यूज़ अपने अंदर लाएं।
آج جن کے پاس ویلیوز ہیں ان کے اندر پروفیشنلزم نہیں ہے، اور جن کے پاس پروفیشنلزم ہے ان کے پاس ویلیوز نہیں ہے. اب آپ بڑے بڑے پروجیکٹس کا تصور کیجئے. ہم اس وقت پورے ملک میں یہ بات اس کی ترغیب دے رہے ہیں، ہر جگہ اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی وسائل اور مالی وسائل، ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز، ہم مسلمان اپنے آرگنائز کر کے اپنے ڈسٹرکٹ لیول پر، اپنے محلے کے لیول پر، ہم سوشل ویلفیئر کے کام میں ایک جنگی پیمانے پر اتر جائیں، اور کسی تفریق کے بغیر ہم تعلیم عام کریں، صحت کی خدمات پیش کریں، اسپتالوں میں جا کر مریضوں کو اٹینڈ کریں، ہم سڑک کی صفائی کا انتظام کریں، ہم بہت بڑے پیمانے پر پلانٹیشن کی تحریک چلائیں، درخت لگیں، تاکہ یہ کلائمیٹ چینج کے حالات سے، جو آج ہر جگہ جو حالات ہیں اس وقت، کہیں بھی معتدل بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش ہو رہی ہے تو وہ تباہی کا سبب ہے، نہیں ہو رہی ہے تو وہ تباہی کا سبب ہے. ان سب چیزوں کے لیے اور اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ہمارا ملک جوجھ رہا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے بہت محبت کے ساتھ اپیل کرتا ہوں، آپ ملت کا بھی مستقبل ہو اور آپ ملک کا بھی مستقبل ہو. اور لڑکوں اور لڑکیوں سب سے کہتا ہوں، بہت بڑا کردار آپ ادا کر سکتے ہو. آپ اپنی تعلیم پر توجہ دو، کیریکٹر پر توجہ دو، اور انشاءاللہ اگر ہو سکے تو یوسف علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ. ان کے اندر دو کوالٹیز تھیں، وہ انتہائی ایماندار اور پائس بھی تھے اور زبردست پروفیشنلی ویل اکوپ بھی تھے. اسی لیے انہوں نے اس زمانے کی سپر پاور کو ایک بہت بڑے کرائسس سے نکال لیا. ہم مسلمان نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم کو کسی کی نفرت کا جواب نہیں دینا، ہم کو کوئی انتقام نہیں لینا. ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہم معاف کرنے والے نبی کے امتی ہیں. ہم کو اس ملک کو بچانا ہے کرائسس سے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ ملک دیکھے گا کہ جس قوم کو یہ ملک کے کچھ لوگ اپنا دشمن سمجھتے تھے، وہی قوم اس ملک کا مسیحا بن گئی. نوجوانوں، ہمت سے کام لو، اچھے کریکٹر کو اپناؤ، بازاری قسم کے نوجوان نہ بنو. تو اپنی قدر و قیمت کو پہچانو، تم بہت قیمتی ہو. بہت بہت شکریہ خلیل الرحمان. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اتحاد نیوز پر بالکل واضح انداز میں ایک رہبری، ایک رہنمائی کی ہے کہ جہاں ہر طرف مایوسی کی ایک گھنگور گھٹا نظر آ رہی ہے، وہیں امید کی کرن کس طرح، یعنی کہ ایک امید کن حالات پر ہم کھڑے ہیں، ایسا انہوں نے بھروسہ بھی دلایا. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.